नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेडिट में। आज मैं लेकर आपके सामने फंडामेंटल लॉज ऑफ मैकेनिक्स बाय आई इरुडो अरिहंत द्वारा पब्लिश की गई ये पुस्तक है और काफी शानदार बुक है, ऐसा दावा किया जाता है। इसी बात क्या चाहिए करेंगे, क्या ये बुक इतनी कारगर साबित होती है। क्लासिक टेक्स्ट सीरीज के अंतर्गत आई है। इसी सीरीज के अंतर्गत मैं ऑलरेडी इसी की कुछ बुक्स का ऑलरेडी रिव्यू कर चुका हूं। आप मेरी बुक रिव्यू की प्लेलिस्ट में जाकर उसको चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल आज मैं फंडामेंटल लॉज ऑफ मैकेनिक्स बाय आई ई इरुडो का रिव्यू करूंगा जो अरिहंत द्वारा पब्लिश है। बात करें इसके प्राइस टैग की तो ₹105 इसका एमआरपी लिखा गया है और लगभग आपको 90 से 95 रुपए की ये देखने को मिल जाती है मार्केट में। बात करें नंबर ऑफ पेजेस की तो इसके अंदर आपको 210 पेजेस देखने को मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर के मटेरियल की, किस प्रकार का मटेरियल आपको देखने को मिलता है, किस प्रकार की पैटर्न आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले कंटेंट्स की बात कर लेते हैं, कंटेंट्स में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। कंटेंट्स में आपको एसेंशियल्स ऑफ काइनेमेटिक्स, जिसके अंदर काइनेमेटिक्स ऑफ अ पॉइंट, काइनेमेटिक्स ऑफ अ सॉलिड, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑन ट्रांजिशन टू अनदर रेफरेंस फ्रेम, इसके बाद प्रॉब्लम्स टू चैप्टर वन आपको देखने को मिलती है। चैप्टर टू की बात करें तो बेसिक इक्वेशन ऑफ डायनेमिक्स, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम्स, द फंडामेंटल लॉज ऑफ न्यूटोनियन डायनेमिक्स, लॉज ऑफ फोर्सेस, द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ डायनेमिक्स, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम्स, इनर्शियल फोर्सेस, और फिर प्रॉब्लम्स ऑफ चैप्टर टू आपको देखने को मिलती है। इसके बाद चैप्टर थ्री की बात करें तो इसके अंदर आपको एनर्जी कंजर्वेशन लॉज, इसके अंदर आपको ओन कंजर्वेशन लॉज, वर्क एंड पावर, पोटेंशियल फील्ड ऑफ फोर्सेस, मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन ए फील्ड, द एनर्जी कंजर्वेशन लॉ फॉर ए सिस्टम, और लास्ट में आपको प्रॉब्लम्स टू चैप्टर थ्री देखने को मिलते हैं। चैप्टर फोर की हम बात करें तो उसके अंदर आपको द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम द लॉ ऑफ इट्स कंजर्वेशन, सेंटर ऑफ इनर्शिया, द सी फ्रेम, कोलिजन ऑफ टू पार्टिकल्स, मोशन ऑफ अ बॉडी विद वेरिएबल मास, प्रॉब्लम्स टू चैप्टर फोर। इसके बाद बात करें चैप्टर फाइव की, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इसके अंदर आपको एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल, मोमेंट ऑफ फोर्स, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इनर्शियल एंगुलर मोमेंटम और डायनेमिक्स ऑफ अ सॉलिड, और फिर उसके बाद प्रॉब्लम्स टू चैप्टर फाइव देखने को मिलता है। बात करें पार्ट टू रिलेटिव मैकेनिक्स की, ये तो देखो क्लासिकल मैकेनिक था, रियलिस्टिक मैकेनिक्स आपको देखने को मिलता है। इसके अंदर चैप्टर सिक्स की बात करें, काइनेमेटिक्स इन द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसके अंदर इंट्रोडक्शन आइंस्टीन पोस्टुलेट्स, डायरेक्शन ऑफ टाइम एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेंथ, लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन, ज्योमेट्रिक डिस्क्रिप्शन ऑफ लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बाद प्रॉब्लम टू चैप्टर सिक्स आपको देखने को मिलती है। रिलेटिविस्टिक डायनेमिक्स में आपको रिलेटिविस्टिक मोमेंटम, फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ रिलेटिविस्टिक डायनेमिक, मास एनर्जी रिलेशन, इसके बाद आपको रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल, सिस्टम ऑफ रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स, प्रॉब्लम टू चैप्टर सेवन आपको देखने को मिलती है। उसके बाद लास्ट में आपको अपेंडिक्स मिलता है, जिसके अंदर आपको मोशन ऑफ अ पॉइंट इन पोलर कोऑर्डिनेट्स, ऑन केप्लर मोशन, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ स्टेनियर्स थ्योरम, ग्रीक अल्फाबेट, सम फॉर्मूला ऑफ अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री, ट्रेवल ऑफ डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रल्स, सम फैक्ट्स अबाउट वेक्टर्स, यूनिट ऑफ मैकेनिकल क्वांटिटीज इन द एसआई एंड सीजी सिस्टम, डेसिमल प्रीफिक्सेस फॉर द नेम्स ऑफ यूनिट्स, सम एक्स्ट्रा सिस्टम यूनिट्स, एस्ट्रोनॉमिक क्वांटिटीज एंड फंडामेंटल कॉन्स्टेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। थोड़ा और आगे चले तो अब आपको नोटेशंस दिए गए हैं पूरी बुक में किसको किस से शो किया गया है। जैसे बीटा की बात करूं तो एंगुलर एक्सेलरेशन शो करते हैं, तो इस प्रकार हर एक के नोटेशन को एक्सप्लेन किया गया है किसको किस से डिनोट किया गया है। आगे चले इंट्रोडक्शन दिया गया, फिर आपको चैप्टर का पैटर्न दिखा देते हैं, चैप्टर का पैटर्न किस प्रकार का है। यहाँ से पार्ट वन क्लासिकल मैकेनिक्स स्टार्ट होती है, चैप्टर वन एसेंशियल्स ऑफ काइनेमेटिक्स स्टार्ट होती है। यहाँ से आप थ्योरी देख सकते हैं, थ्योरी के बाद यहाँ पे डायग्राम भी आपको देखने को मिलता है, आप देख सकते हैं आपको बीच बीच में डेरिवेशन चल के हल्के डायग्राम्स आपको देखने को मिलते हैं। अगर आप अबव एवरेज स्टूडेंट हैं तो आपको इसकी लैंग्वेज भी समझ आएगी और आप मैकेनिक्स में भी अच्छा कर पाएंगे, लेकिन अगर आप एवरेज है, बिलो एवरेज है, तब ये आपकी समझ से बाहर है। काइनेमेटिक्स ऑफ अ सॉलिड बताया गया है क्या होता है। थोड़ा और आगे चले तो आप देख सकते हैं चीजों को, थ्योरी सिस्टम ज्यादा दिया गया इसके अंदर एज कम्पेयर टू डायग्राम एंड द डेरिवेशन।
थ्योरिटिकल जो पार्ट है वो कुछ ज्यादा ही है इसके अंदर, और आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो चुकी है। प्रॉब्लम्स टू चैप्टर वन, प्रॉब्लम्स दी गई है उसके बाद उसका सॉल्यूशन दिया गया है, जैसे नेक्स्ट प्रॉब्लम दी गई है उसका उसका सॉल्यूशन दिया गया है, प्रॉब्लम्स दी गई है, लेकिन प्रॉब्लम के बाद हर एक में सॉल्यूशन जरूर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स दे दी गई है और सॉल्यूशन का कोई अता पता भी नहीं है, तो सॉल्यूशन के साथ आपको हर एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ये इसमें अपने एक यूनिक बात है। चैप्टर टू का सेम आपको पैटर्न देखने को मिलता है, चैप्टर टू में जो थ्योरी है डायग्राम सब वो इसमें कुछ ज़्यादा अच्छे तरीके से कवर किया गया है। थ्योरी बहुत सिंपल लैंग्वेज में यूज़ की गई है, फिर प्रॉब्लम सॉल्यूशंस दिए गए हैं इस चैप्टर के, आप देख सकते हैं 2.5 स्टेप से प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन। यहाँ पे एक बार बुक चेक जरूर कर लिया करें जब आप खरीदने चाहे तो, देख सकते हैं आप। तो यही पैटर्न पूरी बुक में यूज किया गया है कि सबसे पहले आपको चैप्टर मिलेगा और चैप्टर के लास्ट में आपको प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलेगा, प्रॉब्लम्स मिलेगी आपकी प्रैक्टिस के लिए। लास्ट में आपको अपेंडिक्स देखने को मिलती है जिसमें आपके छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर किया गया है जो आपको हमेशा याद रहने चाहिए, ठीक है। तो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो सारी की सारी चीज़ें लास्ट में आपको अपेंडिक्स की फॉर्म में देखने को मिलती है। अब बात कर लेते हैं इसमें रेटिंग की, तो 5 में से उसको 4 की रेटिंग दूंगा। एक रेटिंग जो कट किया वो इसलिए कट किया क्योंकि चैप्टर के लास्ट में कोई समरी नहीं है जो चैप्टर को रिवाइज करने में काम आती है। डायग्राम का भी कम ही प्रयोग है, लेकिन और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस नहीं है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं है। आपको सिर्फ एक चैप्टर देखने को मिलता है लेंथी सा जिसमें काफी कॉन्सेप्चुअल चीजें नहीं बताई गई है, थ्योरेटिकल वे में लेके चला गया है, और लास्ट में आपको प्रॉब्लम्स मिलती है विद सॉल्यूशन, वो भी सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती है जो कहीं ना कहीं आपकी प्रैक्टिस को कम कर देगा। तो इट्स फॉर बच्चे, मैंने बताया अबाउ एवरेज स्टूडेंट्स, 5 में से 4 की रेटिंग दूंगा रेटेड पर। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि इस प्रकार की बुक का रिव्यू हम आपके लिए लेकर आते रहे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।